अखिलेश यादव के आह्वान पर भाजपा की प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा तहसील अमरोहा पर प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, अत्याचार, किसानों के शोषण, अपहरण, बलात्कार एवं व्यापारी, छात्र, दलित, अल्पसंख्यक सभी सरकार के उत्पीड़न से त्रस्त हैं। सरकारी नौकरियों को संविदा में परिवर्तन करने जैसे अहम मुद्दों को ज्ञापन में शामिल किया गया। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देश पर श्री महबूब अली विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सभापति लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश ने तहसील में प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना संकट, किसान, नौजवान, बुनकर और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की उपेक्षा, आरक्षण पर कानून व्यवस्था, ध्वस्त समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और घोटालों पर नियंत्रण नहीं, महिलाएं, बच्चियों, सुरक्षित, जनहित में उदासीनता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश के नौजवान बेरोजगारों की मार झेल रहे हैं। तमाम संस्थानों ने कर्मचारियों की छटनी कर दी है। नोटबंदी, GST से व्यापार बंद कर दिया गया है। सरकार ने अब सरकारी नौकरियों की भर्ती आउटसोर्सिंग कराने का इरादा किया है, जिसमें 5 साल संविदा में नौकरी करनी होगी। इसमें दक्षता परीक्षा में 60% अंक मिलने पर भी आगे नौकरी चलेगी और नहीं होगा तो उसकी छटनी कर दी जाएगी। ये युवा प्रतिभा को बंधुआ मजदूर बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें ना तो पदनाम मिलेगा और ना ही सेवा नियमावली 1999 के अनुमाननीय लाभ मिलेगा। युवा शोषण की इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की आग्रह किया गया। साथ ही अति वृष्ट, ओला वृत, बाढ़ से नष्ट फसलों की किसानों को क्षतिपूर्ति का तत्काल प्रबंध किया जाए। गन्ना किसानों को बकाया और नियम अनुसार दे ब्याज और भुगतान किया जाए। बिजली की दरों में वृद्धि रोकी जाए। बुनकरों को फ्लैट पर बिजली दी जाए, उनकी बकाया वसूली कोरोना काल तक रोकी जाए। फर्जी एनकाउंटर बंद हो, हिरासत मौत की न्यायिक जांच हो। छात्रों को 5 महीने की फीस माफ की जाए। बड़े स्कूलों की पात्र छात्रों को प्रवेश दिया जाए। BED और अन्य पाठ्यक्रम में दलित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। अपराधों की रोकथाम हो, खासकर महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन को प्रभावी और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाएं। अपराधी जमानत पर न हो, इसके लिए अभियोजन पक्ष को तस्दीक की जाए। सरकारी सेवाओं में वर्ग के कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे और कर्मचारियों को संविदा पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। जेल में बंद पूर्व मंत्री एवं सांसद मोहम्मद आजम खान, उनके परिवार को बदले की भावना से उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको तुरंत रिहा किया जाए। जब तक राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका की व्यवस्था नहीं कर सके, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। बिजली की चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का उत्पीड़न न किया जाए। स्कूलों में पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं, इस तरह के मुद्दों को महबूब अली और परवेज अली ने अखिलेश यादव के आह्वान पर कहने पर ज्ञापन की शक्ल में उप जिलाधिकारी को सौंपा। स्टेडियम हो, कक्षाएं बढ़ाने का काम हो, कनेक्टिविटी की हो और बड़े बड़े अस्पताल कॉलेज बनाने की बात हो, ये आप लोगों ने किया। लेकिन हमारी अपनी सरकार में, हमारे पारा और किसी में, हमारे क्षेत्र में अंदर इन नियमावली में हो, जिस क्षेत्र का MLA है, उस क्षेत्र का MLA जाएगा अगर किसी भी उद्घाटन में, पैसा हमने दिया, जमीन हम
पत्थर तुम्हारा, किसी भी कीमत पर हम जनता से इनका कोई रोक नहीं। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, आज जिसका हो चिकित्सा हो स्वास्थ्य हो, गरीब हो किसान हो पिछड़ा हो बेरोजगार हो अल्पसंख्यक हो, मैं तो कहना चाहता हूं किसी भी तरह से उपत्तियों द्वारा आपकी फसलें कैसे खरीदी जाए और कैसे उनका मुनाफा उनकी कमजोरियों तक पहुंच जाए, इस संभाल का आज प्रमुख चल रहा है। पुराना देश की नहीं दुनिया की बड़ी महामारी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने वाला है। कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर ज्यादा तादाद में ठीक हो गई, हमारी मेहनत से सरकार की नीतियों से ठीक हो रहे हैं क्या? MOLD मसाला, स्वादिष्ट खानों की पहचान। MLD स्पाइसेस कंपनी, कैलसर रूट, अमरोहा। टेक टू MLD मसाले, स्वादिष्ट खानों की पहचान। MLD स्पाइसेस कंपनी, कैलसर रूट, अमरोहा। टेक थ्री MLD मसाले, स्वादिष्ट खानों की पहचान। MLD स्पाइसेस कंपनी, कैलसर रूट, अमरोहा। टेक फोर स्वादिष्ट खानों के लिए याद रखें MLD मसाले, स्वादिष्ट खानों की पहचान, आपके जायके की शान। MLD मसाले, MLD स्पाइसेस कंपनी, कैलसर रूट, अमरोहा। टेक फाइव अगर चाहते हैं स्वादिष्ट खानों की पहचान। टेक फाइव अगर चाहते हैं। टेक फाइव स्वादिष्ट खानों की पहचान। MLD मसाले, MLD स्पाइसेस कंपनी, कैलसर रोड, अमरोहा। MLD मसाले। हम तो कहते हैं जो विकास आपके इस तरह से तो कहना चाहता हूं कि एक जनपद के अंदर बताएं कोई विकास कारण होगा हो हमारे द्वारा आपकी सरकार के द्वारा याद कर लिए अगर हम वहां में कर लेते तो हम वहां जो है फोर लाइन देश में सबसे पहली बनी दो पुल बने, स्टेडियम बना, बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए, आईटीआई बने, बड़े बड़े घर, एक भी घर बताए सरकार कोई बनाया हो तो इसके लिए सही बता दीजिए। लगातार विकास के नाम पर है नहीं, छोटा मोटा विकास नीति के माध्यम से बताया जाता था वो भी आप लगा ली कोविड के नाम पर। क्या तनख्वाह नहीं मिलती है? क्या विकास नीति तुम्हारे पास दूसरे विकास को दूसरा कराने के लिए इंतजाम नहीं है? इसे भी रोक लिया गया आपने। विधायकों की तनख्वाह, MPO की तनख्वाह 30% गायब। मैंने तो कह रहा हूं पसंद से सारी की सारी गायब कर दीजिए हमारी तनख्वाह में तनख्वाह की दुकान में। हमें हमें नहीं चाहिए तनख्वाह। अगर तनख्वाह हमें नहीं ही देते हैं तो विकास संघ का अधिकारी हमारी कहा है दुनिया भर के और भी खर्चे होते हैं आपके माध्यम से 12,000 करोड़ रुपया मीडिया को किस नाम पर दिया जाता है
सख्ती से गुजर सकते थे, क्योंकि ये हमारा अच्छा अखबार में अच्छे का प्रचार हमारा करते रहे, हमारे गलत काम पर भी चांदी का व्रत लगाते रहे। अगर आज अमरोहा की बात करें तो बिजली के नाम पर किस तरह से शुरू कर हुआ, खासकर चीनी बिजली वाले और नहीं तो आप बिना वारंट की तरह घर में घुस जाते हैं, उनका घर से बाहर लगा है, आपका अधिकार निर्देश करने का है। बेरोजगार नौजवानों के लिए हम कहना चाहते हैं, याद करिए आप सरकारें चाहते हैं, आज सरकारें वक्त बनाते हैं नौजवानों, वक्त आता है चुनाव का, हमें पता है हमारे जिले में हो रहा है चुनाव, चुनाव और हमारे जिले के साथ साथ प्रदेश के जिले में भी चुनाव हो रहा है। बिजली चौड़े भाग ये कागज नहीं है, अगर जगह करने की बात है तो हर बार से चुनेगा जो 5 साल इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के डॉक्टर आफ्ताब मुख्तार नकवी, दानिश इंजीनियर इकरार अंसारी, असलम सलमानी, वीर भान सिंह, मुकीम अहमद, आरिफ मलिक, अब्दुल गफ्फार, तौसीफ चड्डा, मुमताज, शाकिर अली, आरिफ अली, राम अवतार, गुल मोहम्मद, अजीम एडवोकेट, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर युवा नेता परवेज अली MLC मुरादाबाद ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया और इस लड़ाई को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया और भरोसा दिलाया कि इस सरकार के हम उत्पीड़न से सब लोगों को मुक्ति दिलाकर रहेंगे। अमरोहा ऑनलाइन के लिए असजद सिद्दीकी और नदीम सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अंदाज अमरोही। मुरादाबाद की सुप्रसिद्ध सुगंध की मिठाइयां अमरोहा में भी उपलब्ध। स्टेशन रोड माधो सिनेप्लेक्स के सामने अमरोहा। अमरोहा ऑनलाइन।